गुरु जी का बर्थडे का मंथ आना शुरू होता था ना, तो संगत कहती थी गुरु जी का जन्मदिन आ रहा है, गुरु जी बच्चों की तरह एकदम खिलखिलाना शुरू कर देते थे। और गुरु जी को ना जैसे कोई भी आके गिफ्ट देता था, कोई ब्रांडेड उनको टी शर्ट दे रहा है, कोई बर्बरी की, कोई जूते दे रहा है यूएस से लेके आया, कोई घड़ी दे रहा है, कोई ब्रेसलेट दे रहा है, गुरु जी ने कभी कुछ नहीं रखा अपने पास, कभी नहीं रखा। वो वही संगत को मार देते थे और वो ये नहीं देखते थे कौन मेरी पुरानी है कौन मेरी नहीं है, जो सामने आता था उसको उसकी ब्लेसिंग मिल जाती थी गुरु जी की। गुरु जी ने कभी कुछ नहीं लिया हमसे, ना ही आगे लेंगे, वो हमें सिर्फ देने के लिए आए हैं, उन्हें हमारे तोहफे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये तो संगत का प्यार है, जो आप केक काटते हो, चोला लगाते हो और फूल लगाते हो, ये सिर्फ और सिर्फ उनका प्रेम है कि उनके प्रति हमारा प्रेम दर्शाने का तरीका है। जैसे हमारे बच्चे का बर्थडे होता है तो हम तैयारियां करते हैं ना, ऐसे ही लोग करते हैं। पर हाँ, उतनी करो जितना आपके पास है। हमेशा गुरु जी ने ये कहा है कि उधार लेके या कभी भी अपने सिर पे कर्जा लेके आप कभी भी सत्संग मत करा करो, जो तुम्हें मालिक ने दिया उतनी चादर में पैर पसारो। हाँ, गुरु का लंगर लगाने से बहुत बरकतें होती हैं, लंगर घर में बनाने से और ज्यादा बरकतें होती हैं। लंगर जितने लोग खाएं, कहते हैं ना अब गुरु जी का लंगर प्रसाद जितने ज्यादा लोग खाते हैं ना उतना अच्छा है। हम लोग सोचते हैं जो संगत आई है ना, ये जो संगत सारे यहाँ बैठे हैं 100, 125, 150 सारा प्रसाद इन्हीं में बांट देते हैं। अब कौन हिम्मत करेगा गर्मी में बाहर जाके गरीबों में बांटने की, ऑटो वाले को या बैटरी वालों को देने की। पर ये सेवा होती है, यहाँ खा लिया जो बच गया जाओ गरीबों में जाके बांटो। हाँ मैं बाउल लेके आऊँ। जय गुरु जी, शुक्राना।